हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पर मैथमेटिकल टूल्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स में मैथमेटिक्स का जो इस्तेमाल होता है, फिज़िक्स में मैथमेटिक्स का जो इस्तेमाल होता है हम लोग उसको सीखेंगे। क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट जिनको अभी बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता होता, वो उनको फिज़िक्स टफ़ लगती है। बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स उनको अच्छी नहीं लगती, इसी कारण उन्होंने बायोलॉजी लिया होता है लेकिन फिज़िक्स में मैथ्स का यूज़ आ जाता है, तो उन सब के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कई बार स्टूडेंट्स को फिज़िक्स इसीलिए टफ़ लगने लगती है क्योंकि उनका मैथ्स का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा वीक होता है, तो हम लोग उसी पॉइंट पर फोकस रहेंगे जिसकी ज़रूरत हम लोगों को फिज़िक्स में पड़ती है, और कहाँ कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है, हम लोग इसको भी टच करते हुए बढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगेन, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक जाना पहचाना चैप्टर है, टॉपिक है, क्योंकि उनके लिए तो ये मैथ्स में उनको पढ़ना ही है। लेकिन जैसा अभी अब पहले मैंने कहा आपसे, बायो के स्टूडेंट्स या इलेवेंथ के स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा सा इसीलिए ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है ये वीडियो लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो क्लास एलिमेंट जो एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी जाती हैं आनी चाहिए। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो हमें ये पता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बहुत एलिमेंट्री चीज़ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमें आना चाहिए, पूरी फिजिक्स में ही ज़रूरत पड़ती है इसकी, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह, वहाँ तो पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है, एसएचएम वेव वगैरह। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हमें साइन कॉस टेन पता है तो ज़रूरत पड़ने पर हम साइन का इन्वर्स करेंगे तो कॉस एक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कॉस का इन्वर्स करेंगे सेक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, टेन का इन्वर्स करेंगे कॉट आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो मतलब अगर हमें ये तीन रिलेशंस आती हैं तो बाकी की जो तीन है कॉसेक सेक कॉट आसानी से निकाली जा सकती है। हमें क्वाड्रेंट सिस्टम पता होना चाहिए, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए, इनकी ज़रूरत फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी का चेंज लीनियर मोशन में, क्वेश्चन कहता है कि कोई पार्टिकल है वो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और 2 सेकेंड के बाद उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, अपनी स्पीड को भी चेंज कर लिया, उसने उसको बढ़ा करके 25 कर लिया, तो आप बताइए एवरेज एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है। या जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में होता है कि एक कार चल रही है किसी डायरेक्शन में, दूसरी कार किसी डायरेक्शन में, अगर एक कार से दूसरी कार को देखा गया तो बताइए इसका स्पीड क्या दिखाई देगी, इसके मोशन का डायरेक्शन क्या दिखाई देगा, वहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक एंगल को दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। हमारे पास अगर साइन थीटा नोन है, सपोज हमारे पास साइन थीटा 2/3 नोन है, तो एक आसान सा कंसेप्ट है, साइन थीटा अगर 2/3 नोन है तो इसका मतलब हम एक ट्रायंगल अगर बना लें तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नोन है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमने आंसर निकाला है साइन के टर्म्स में या एंगल निकाल रहे हैं वेक्टर्स में, तो अक्सर टेन का यूज़ होता है टेन के टर्म्स में, और जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है उसमें हमारे पास ऑप्शन साइन या कॉस या सेक कॉट वगैरह में, तो बहुत आसान कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, बहुत आसान कंसेप्ट है। एक ट्रायंगल बना लिया, साइन थीटा अगर नोन है 2/3 तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नोन है, तो क्या हम बेस नहीं निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, निकल जाएगा। ये बेस कितने का होगा, होल रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5, तो हमारे पास √5 आ गया बेस, आसान है। और बेस हमारे पास अगर आ गया
तो जरूरत पड़ने पर क्या हम कॉस नहीं निकाल लेंगे, टैन नहीं निकाल लेंगे, कॉट नहीं निकाल लेंगे, सब आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहीं साइन थीटा निकाला था और हमें सपोज वहाँ पे टैन थीटा की ज़रूरत पड़ जाए तो हम ट्रायंगल बना लेंगे और उस ट्रायंगल से हम बाकी जितने भी एंगल्स की ज़रूरत है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में टैन थीटा 2/√5 हो जाएगा, अगर हमसे कॉट थीटा पूछा जाए √5/2 हो जाएगा, हमसे कॉस थीटा पूछा जाए कॉस √5/3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो एक ये एलिमेंट्री कंसेप्ट है जिसकी ज़रूरत फिजिक्स में हम लोगों को पड़ती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, SHM, वेव्स एट्सेट्रा, जहाँ भी हमें साइन कॉस का टर्म यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यूज़ करने हो। हमें पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो क्या है। 0 से 90 डिग्री, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है 0 से 90 डिग्री, और यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब जो ये कंसेप्ट हम लोग सीखने चल रहे हैं इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे हमें साइन 120, हमें कॉस 270 एट्सेट्रा, या कॉस 240 एट्सेट्रा, ये सारे एंगल्स निकालने पड़े। तो वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं प्लस माइनस की, और जब ये कंसेप्ट यूज़ होते हैं SHM वगैरह में, तो वहाँ डायरेक्शन का कंसेप्ट चूँकि प्लस माइनस से रिलेट होने लगता है, तो अगर हमने एक जगह गलती किया तो उसका असर हमारे फाइनल आंसर पे चला जाता है। तो इसलिए ये चीज़ इस छोटे से कंसेप्ट को इम्पॉर्टेंट बना रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री का जो टर्म है उसमें साइन पॉजिटिव होता है। अब ये ध्यान रखो कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव होगा ही होगा। तीसरा क्वाड्रेंट जो कि 180 डिग्री से 270 डिग्री का होता है, 180 to 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं टैन का घर है, यहाँ टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। अब ये बात अंडरस्टूड है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव होगा। याद रखने का एक आसान सा तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हम ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स बना सकते हैं, लेकिन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बहुत आसान सी बात है, ऑल साइन टैन कॉस। तो ये हमें याद रखना चाहिए, ये अगर हमें याद रहता है तो ज़रूरत पड़ने पर हम ये जो प्लस माइनस की मिस्टेक होती है ये बचा सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने साइन टैन और कॉस ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये एक कन्वेंशन है, ये हमको याद रहना चाहिए। कुछ एक जो एलिमेंट्री फॉर्मूले हैं हमें वो याद रखना चाहिए, और उसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो हमारे लिए प्लस माइनस पहचानना आसान रहता है। जैसे हमें साइन 90 − θ, स्टूडेंट ध्यान दो किस क्वाड्रेंट में हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 90 − θ कॉस थीटा, अगर हम साइन और कॉस को याद रखें तो ज़रूरत पड़ने पर टैन कॉट एट्सेट्रा ये सब निकाले जा सकते हैं। तो साइन 90 − θ कॉस थीटा, कॉस 90 − θ कॉस 90 − θ, ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन थीटा। अब अगर साइन और कॉस तुम्हारे पास हैं तो ज़रूरत पड़ने पर तुम बाकी सब भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, साइन 90 + θ, साइन 90 + θ। अब ये किस क्वाड्रेंट में एंटर कर गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन का घर है वो, तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव। कई बार स्टूडेंट्स को पॉजिटिव निगेटिव में कन्फ्यूजन होने लगता है, तो पॉजिटिव निगेटिव इधर से तय होगा, जो बन रहा है उससे नहीं, जो ये मेन एंगल है इससे तय होगा। कॉस 90 + θ, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट,
साइन का घर है, कॉस की बात हो रही है, इसलिए माइनस। ठीक है, आसान है याद रखना। एक बार अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो इसको याद रखना आसान हो जाता है। अब आ जाओ आप थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 180 प्लस थीटा, वो घर किसका है? टैन का। टैन का तो वहां पे साइन निगेटिव होगा, इनफैक्ट टैन और कॉट को छोड़ दें तो बाकी सब निगेटिव होंगे। साइन 180 प्लस थीटा, दैट इज साइन 180 प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कॉस भी यहां पे निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस, या उसी को 360 माइनस भी लिख सकते हो। साइन 270 प्लस थीटा, स्टूडेंट्स ध्यान दो, इसी को 360 माइनस भी लिखा जा सकता है। तो साइन 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हुई, वहां कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे तो साइन है इसलिए नेगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा। रिपीट करते हैं, इधर से पॉजिटिव नेगेटिव तय नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव यहां से तय होता है। कॉस 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, अगेन कॉस का अपना घर है वो, कॉस वहां पे पॉजिटिव होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव है। 90 प्लस थीटा, वहां पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट वो टैन का घर है, वहां पे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। फाइनल क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे 270 प्लस थीटा, इसने साइन ने कॉस को बनाया और चूंकि साइन उस जगह पे नेगेटिव है इसलिए वो माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, साइन को बनाया वहां पे वो पॉजिटिव आया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट, हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम इस प्लस की जगह पर माइनस ले लें तो बस एक डिफरेंस आएगा। अगर हमने यहां पे ए माइनस बी किया तो बस यहां जो प्लस था उसकी जगह पर वो माइनस आ जाएगा, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस में एक डिफरेंस होता है, ये अगर प्लस है तो यहां पे माइनस, साइन ए साइन बी, ये प्लस है तो वहां माइनस, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस आ जाएगा, साइन ए
साइन बी। अब स्टूडेंट्स ये बात सही है कि इसको निकालने के और शॉर्टकट तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन हम लोग एक जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं फिजिक्स में, जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सिंपल कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैथ्स में अगर हम डीप में जाएं तो ये बात सही है कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होते हैं या ट्रिक्स यूज़ होती हैं। एक फार्मूला हमें और याद होना चाहिए साइन टू थीटा का और कॉस टू थीटा का। साइन टू थीटा ये बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के। कॉस टू थीटा ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कई जगहों पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तुम लोगों को, कॉस टू थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तो ये रिलेशन आनी चाहिए। एक एलिमेंट्री फार्मूला ऊपर लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो उस लॉजिक से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दें, तो इसी को लिखने का एक तरीका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है क्या? अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, तो क्या इसी को टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी लिख सकते हैं क्या? तो ये एलिमेंट्री कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें आने चाहिए, जिनका इस्तेमाल हम लोग। चलो अगला कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बाद, एक बहुत सिंपल कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक बहुत ही एलिमेंट्री कंसेप्ट है, लेकिन फिर वही बात है, मैथमेटिकल टूल्स हमें आने चाहिए। फिजिक्स में हमें मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत बार बार हर यूनिट में हर जगह पड़ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमें एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं। तो सिंपल सा तरीका, एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दो पॉसिबल आंसर्स, दो पॉसिबल सॉल्यूशंस देती है। अब ये हमें तय करना होता है कि वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 3 प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर दैट इज 9, माइनस माइनस प्लस दैट इज 4ac 16 बाय 2a दैट इज 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो हमारे पास इक्वेशन बनी माइनस 3 प्लस माइनस 16 प्लस 9 दैट इज 25 को रूट से बाहर निकाला तो 5 अपॉन 2। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज दिखाई देती हैं, एक जब हम ये प्लस लेंगे तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, 2 बाई 2 दैट इज 1, दूसरी माइनस 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 8 बाई 2 दैट इज माइनस 4। तो अगर ये कोई कोऑर्डिनेट है, जैसे ये x कोई कोऑर्डिनेट है, तो यस हमारे लिए जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, वो इक्वल एप्लीकेबल हैं, 1 माइनस 4 दोनों। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को सपोज फिजिक्स में हम टाइम की इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं,
सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल चल रहा है, दूसरा पार्टिकल उसको चेस कर रहा है, बताइए कितनी देर के बाद मिलेंगे, कितनी देर के बाद ये पीछे वाला पार्टिकल उसको पकड़ लेगा। हमारे पास एक इक्वेशन है, अब वो टाइम की इक्वेशन है, मान लो इस एक्स की जगह पे टी है, टाइम है, हम उसे टाइम के टर्म्स पे सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। इस लॉजिक से हमें इस टाइम की जो नेगेटिव वैल्यू है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं सपोज मास की, हमारे पास किसी क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया और मास की इक्वेशन आई, सपोज ये मास की इक्वेशन थी, यहाँ एम था, मास की हमारे पास दो वैल्यूज आई, ऑब्वियसली मास कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम मास की जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इग्नोर कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो ऐसे ही होगी, लेकिन अब उसमें से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। हम अगर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हैं, यस बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें फिजिक्स में ग्राफ के एरियाज की निकालने की बहुत जरूरत पड़ती है, जो ग्राफ होते हैं उनके एरियाज निकालने की जरूरत बार बार पड़ती है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आगे हम जब लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देता है, एक्सीलेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वेलोसिटी का चेंज देता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है उसका एरिया वर्क डन, एंड सो ऑन। तो कई जगह जरूरत पड़ती है, तो ग्राफ के एरिया के लिए हमें जो हमारा एलिमेंट्री कंसेप्ट है, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया, ये हमें निकालना आना चाहिए। अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये इसका बेस और ये इसकी हाइट, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। बाकी हम ये जानते हैं कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, सपोज के एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया हम जानते हैं, उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हमारे पास कोई एरिया, कोई सपोज हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे एग्जामिनर, और तब हमसे पूछा जाए कि बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं कि वो ग्राफ इस नेचर का है, वो ग्राफ इस नेचर का है, तो हम इसे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नोन होते हैं, तो हम इसमें ट्रायंगल का एरिया, अब ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है उसका एरिया, सिमिलरली ये जो एरिया है ये निकाल सकते हैं। ग्राफ का एरिया ये हमें, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, अगर ये ग्राफ नीचे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वेरी करने लगते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स लीनियर मोशन के हैं, तो ये एक जो ग्राफ का एलिमेंट्री कंसेप्ट है ये हमें आना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना, मैथमेटिकल टूल्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो कुछ एक सीरीज बनती हैं जिनकी जरूरत हम लोगों को पड़ती है, एंड सम अदर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मैथमेटिकल टूल्स। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।